डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए। रीचेक स्कूटनी के फॉर्म आ गए हैं 100%। लिंक एक्टिवेट को लेकर बड़ी अपडेट आई है। कैसे इस बार का नया नियम आया है वो आपको बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स आप सभी के लिए, पूरा वीडियो जरूर देख लें। आप लोग देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है। आपका लिंक एक्टिवेट को लेकर ऑफिशियल नोटिस आई रीचेक स्कूटनी के फॉर्म को लेकर। और सेवा में सचिव प्राप्ति शिक्षा पर से उत्तर प्रदेश नकलऊ सभी कॉलेजों के लिए भेजा गया है 27/3/2024 आज का ये नोटिस है। देख सकते हो बोला जा रहा है कि पर्षद द्वारा आयोजित जो आपकी परीक्षा हुई थी विषम सेमेस्टर की, स्पेशल बैक वाले भी भर सकते हैं रीचेक का फॉर्म। ध्यान से सुन लो, है ना, दिसंबर 2023 की जो परीक्षा हुई थी जिसके अब क्या स्कूटनी पुनर्मूल्यांकन होगा, स्पेशल बैक हो वो भी भरेगा, बैक हो वो भी भरेगा, है ना, दोनों भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशल बैक वाले भी भर सकते हैं। बोला जा रहा है कि आपकी जो परीक्षा हुई थी उसके जो छात्र छात्रा अपने अंकों से असंतुष्ट हैं वो BTUP की डॉट जो वेबसाइट है उस पर जाके आप लोगों को रीचेक स्कूटनी का आवेदन करना होगा। आवेदन कब से होगा, है ना, कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कूटनी पुनर्मूल्यांकन हेतु वेबसाइट www.btup.ac.in पर लिंक फॉर स्कूटनी, इस पर इस तरीके से एनरोलमेंट जनतिथि की सहायता से आप ओपन कर सकते हैं। तीन चरण में आपका होगा। पहला आपका क्या है, पहला ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए पहला रजिस्ट्रेशन होगा, तीन दिन में फॉर्म कंप्लीट होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा और पुनर्मूल्यांकन। उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट उसी टॉपिक पर चलते हैं कि फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। तो देखिए इस सारे चीज़ें आपको बता देते हैं, देखिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखिए पुनर्मूल्यांकन और स्कूटनी के जो रजिस्ट्रेशन है वो 28/3/2024 से, यानी कल 28 तारीख है, कल से लेकर 2/4/2024, 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 4/4/2024 और 4 अप्रैल तक अपने कॉलेज में आप जमा कर सकते हो। तो ये तो रही डेट्स, अब पूरा प्रोसीजर जान लेते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या है वो आपको बताते हैं, क्योंकि इस बार काफी रूल चेंज करे गए हैं भाई साहब, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, आवेदन तीन चरणों में होगा। पहला चरण होगा रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपको पता है पहले आपने जो भी विषय है उसको करना होगा, सेव एंड प्रिंट पे करके फिर आपको प्रिंट ले लेना होगा। पूरी प्रक्रिया मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, पे फीस ऑनलाइन पे जाके आपको अपना 24 घंटे बाद ऑनलाइन प्रोसीजर 24 घंटे बाद फीस कर पाओगे। ये भी है कि किसी भी सब्जेक्ट में स्कूटनी डाल सकते हो या फिर रिवोल्यूशन एक ही भर सकते हो आप, ऐसा नहीं रीचेक भरोगे स्कूटनी, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसको जाकर चेकआउट कर लें। अतः सावधानी से विषय आपको चूज करना है, बहुत सावधानी से, बाद में आप विषय चेंज नहीं कर सकते हो, वो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। दूसरा है फीस पेमेंट, अगर बात करें स्कूटनी का तो 60 रुपये जाता है, पुनर्मूल्यांकन की बात करें तो 500 रुपया प्रति सब्जेक्ट जाता है, और जो कि है पेमेंट आप UPI वगैरह से कर सकते हो, ये भी मैं करके आपको बताऊंगा कैसे करना है, किस तरीके से किया जाता है, इंटरनेट माध्यम से भी कर सकते हो, ये भी सब आपको मैंने बताया हूँ कि कैसे आपको करना है, मैं बताऊंगा अभी आपको, टेंशन ना लो। तीसरा है जब आप फीस पेमेंट कर दोगे फिर 24 घंटे के बाद आपकी फीस पेमेंट की फाइनल रसीद निकलेगी, 24 घंटे के बाद तृतीय विकल्प आफ्टर फीस सबमिट वाला है वो आपकी एक्टिवेट होगा और फाइनल प्रिंट आपके कॉलेज में प्रधानाचार्यों को जमा करना होगा। नोटिस में लिखा हुआ है, ऑफिशियल नोटिस है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही तो BTUP का हेल्पलाइन नंबर है, ये तो काम करता ही नहीं है, ये खाली नाम का हेल्पलाइन नंबर है भैया, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना, कोई भी त्रुटि है तो बैंक से संबंधित तो ये बोला जा रहा है। और पुनर्मूल्यांकन का जो आवेदन है स्टार्ट हो रहा है 28/3/2024 से, आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, 2/4/2024 तक होगा और अंतिम तिथि है वो 4/4/2024 तक है, जो कि बाद में आपको नहीं बताई जाएगी, अभी देख लीजिए, ठीक है। सापेक्ष की पुनर्मूल्यांकन कर्तव्य संस्थानों द्वारा करते हुए दोनों सावधानी पूर्वक चयन करना है, किसी जिन सब्जेक्टों की आपकी स्पेशल बैक है और बैक दोनों की बात की जा रही है ना, उन्हीं विषयों का चयन करें जिस सूचित जिसमें आपका बैक हो, ये भी सूचित करने का कष्ट करते हैं। यदि छात्र छात्रा द्वारा चयन विषयों में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो छात्र छात्रा इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, ऐसा नहीं आपने गलत सब्जेक्ट चुन लिया बाद में कहो मेरा कोड गलत हो गया कि मेरा ये गलत हो गया। BTUP इस बार बहुत बड़े एक्शन में आ गया भाई साहब, इस बार का नियम चेंज कर दिया इन लोगों ने, छात्र छात्राएं स्वयं उत्तरदायित्व होंगे और पर्षद द्वारा छात्र छात्राओं में को चयनित इस प्रकार किसी प्रकार की त्रुटि के लिए निवारण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, निवारण भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से भैया इस बार
पूरा नियम बदल दिया इन लोगों ने, क्योंकि बीटीयूपी बोर्ड ने इस बार बहुत बड़ी कहें तो एक दुविधा यहाँ पर बात कर दी है इन लोगों ने। ये हमारे सचिव के सिग्नेचर हैं, ये भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर लिख दिया था और जिनके 00 नंबर आए हैं, क्या वो रीचेक का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। देखिए, सूचो कि विषम सेमेस्टर की जो स्पेशल बैक पेपर की परीक्षा हुई थी और दिसंबर 2023 की लिखित परीक्षाओं में जिन छात्र छात्राओं ने मोबाइल नंबर अंकित पाया गया है और परिषद की ओर से उन्हें संबंधित भानु यानी शून्य अंक प्रदान किया गया है, ऐसे छात्र छात्रा स्कूटनी पुनर्मूल्यांकन का जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, जो जिनका मोबाइल नंबर लिख दिया है और उनका 00 नंबर आया वो भाई नहीं भर पाएंगे फॉर्म। ठीक है, सुन लीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि यदि किसी छात्र छात्रा का पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कराने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर पाया जाता है तो ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन स्कूटनी का कार्य नहीं कराया जाएगा और उसका है वो पूरा का पूरा नंबर जीरो कर दिया जाएगा। तो अगर आपने नंबर लिखा है, आपका कापी नहीं खुली, तो फिर से कापी खुलेगी रीचेक स्कूटनी में, तो उसमें क्या होगा, आपका फिर से जीरो कर दिया जाएगा। ये चीज बात की जा रही है, तो बड़े ध्यान से भैया इस बार रीचेक का फॉर्म भरना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। कब से फॉर्म भरा जाएगा मैं पूरा प्रोसीजर बता दिया हूँ, 28 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 2 तारीख तक भरा जाएगा, 28 से लेकर 2 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। और कैसे भरना है मैं आपको फुल जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से, अभी की डेट में आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।